हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेकिंग विद रिचा। आज हम ये ट्रफल केक बनाएंगे। मेरे साथ क्या होता है, मेरे पास अचानक ही ऑर्डर आते हैं और एकदम से अचानक से ही ऑर्डर आ गया। बच्चों के फ्रेंड का घर का ऑर्डर था तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें एक चम्मच कॉफ़ी डालकर थोड़ा गुनगुना पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा नॉर्मल वाला प्रीमिक्स रखा हुआ, मैंने उसी में 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर मिलाकर चॉकलेट वाला फ्लेवर बना लिया। क्या है ना, कभी कभी अर्जेंट ऑर्डर आ जाते हैं और जब नहीं होती है चीज़ तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगानी ही पड़ती है। तो मैंने नॉर्मल प्रीमिक्स में 2 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर कोकोआ पाउडर की डाली, उसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी डाल दिया जिससे कि उसका टेस्ट है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और अच्छे से मिक्स किया। ये सारा बैटर मैंने हल्के गुनगुने पानी से मिक्स किया है, अच्छे से भी मिक्स कर लेंगे इसको स्मूथ सा बैटर बना के। जो हमने पहले से टिन तैयार रखा है उसमें अपना बैटर डाल देंगे। अब उसे अच्छे से टैप टैप करके उसके एयर बबल्स निकाल देंगे। अब हम उसे बेकिंग के लिए लगा करके अपने ट्रफल के लिए अपने चॉकलेट्स को कट करेंगे। ये डार्क कंपाउंड है जिसे कट करने के लिए मैंने ना फ्रिज में रखी थी, ये थोड़ी हार्ड हुए थे तो नॉर्मली कट नहीं रहे थे, मैंने इसे अपने हाथों से काटा है। थोड़ी सी कम पड़ गई थी क्योंकि ट्रिपल केक में थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट जाती है, तो इस वजह से मैंने दूसरा कंपाउंड से थोड़ी सी पीस निकाल लिया, 1 पीस। आप उसे आसान आराम से काट लेंगे, पीसेस में उसको कट करेंगे। हम चॉकलेट में थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम मिला लेंगे। इसमें 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम डाली है और इसे गर्म पानी पर के ऊपर रखकर एक अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। ये साइड में मेरे टॉपर तैयार हो रहे हैं, यही मैं थोड़ी सी आई चॉकलेट रखी रह गई थी उसे भी डालकर मेल्ट कर लिया, क्योंकि ये गर्म है तो मेल्ट भी अच्छे से हो जाएगी। अब हम इसे 20 से 25 मिनट फ्रीजर में रख देंगे जिससे कि थोड़ी सी वो अपने थिकनेस पे आ जाए। ये देखिए मेरे टॉपर भी रेडी हो रहे हैं जब तक डेकोरेशन के लिए। अब मैं अपने केक की ना स्लाइसिंग कर लूँगी। मैंने अपने केक को 2 पार्ट में कट किया है। अब मैं अपने चॉकलेट गनाज को ना पाइपिंग बैग में भर के अपने केक के ऊपर लगाऊंगी। आइसिंग नाइफ को ना थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके उसकी कोटिंग करूँगी। चॉकलेट थोड़ी सी स्टिकी होती है तो वो नाइफ को लगती है, इस वजह से थोड़ा गर्म पानी में डिप करके जिससे कि वो आसानी से आइसिंग की जो कोटिंग होती है ना वो हो जाती है। अभी मैंने फाइनल लुक देने के लिए इस पे लगाई है। मैंने जो आसपास उसके लगी है बोर्ड के ऊपर तो मैंने वो सारी साफ कर दी है। ये फाइनल लुक है, आप लोग देख कर बताइए कैसी बनी है।
आप अपने सजेशन देने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये केक की फाइनल है, आइसिंग है। प्लीज़ बताएं कैसी लगी आपको। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।